1090 के तहत लोग जागरूक हो रहे हैं, 1090 की सहायता ले रहे हैं, लोगों को न्याय मिल रहा है, लोगों की सुनी जा रही है। मैम शायदा परवीन है। हाँ। मैं हीरामन पुरवा 92/97 में रहती। क्या हो गया था पति के? वो घर में कुछ टेंशन और मतलब जो है घरेलू हिंसा, मतलब इसलिए टेंशन बाजी में हम लोगों में अनबन रहती थी। हाँ। मगर फिर हमने 1090 पे कॉल करा। हाँ। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट करी, वहाँ की महिला थाना ने बहुत सपोर्ट करी। फिर अब हम लोग बहुत आराम से रह रहे हैं। हमने वहाँ से आके अपने मतलब मोहल्ले में सबको बताया, इसलिए हमको बहुत अब हम लोग बहुत आराम से रह रहे हैं, बहुत हमको सपोर्ट मिली वहाँ से। आप खुशी खुशी रह रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल। तो हाँ ठीक ठाक रह रहे हैं, अब कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी। हम लोग बहुत चाहेंगे कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमारी मतलब थाना है, आप उसमें कॉल करिए 1090 पे, थाना बेकनगंज। पत्नी वापस आ गई है, चेहरे पर मुस्कान आ गई है, समस्या खत्म हो गई है, लड़ाई झगड़ा भी खत्म हो गया है। 1090 को धन्यवाद बोलेंगे? 1090 का बहुत बहुत धन्यवाद है, और जब भी कोई बात होती है तो 1090 हमारे बहुत काम आते हैं। हाँ। और हमारा बेगमगंज थाना जो है। हाँ। वो हम लोगों की बहुत मदद करता है। खुश हैं आप? है जी बहुत। आप मत लड़ाई करिएगा वरना फिर 1090 मिला देंगे ये। थाने से भी हम बहुत खुश हैं। हम सबको बताना चाहते हैं कि अगर ऐसी कोई बात महल्ले में कोई भी हो तो हमारे बेगमगंज थाने में जाके तुरंत कॉल करें 1090 पे, और सहायता लीजिए। महिला वहाँ पे हैं और थाना वगैरह सब सब बहुत फास्ट काम। धन्यवाद है और बहुत बहुत उनके हम आभारी हैं। आप खुश रहेंगे साथ में? है जी हमेशा बिल्कुल मस्त रहेंगे जी। उन्होंने कह दिया है कि जो भी कुछ हो हमको बताइए फौरन, हर तरीके से। अब आप धमकी तो नहीं देंगे कि अगर लड़ाई करोगे 1090 फिर से मिला देंगे? अब नहीं भाई, अब नहीं करेंगे। अब हमारे साथ हमारा थाना है, वहाँ की महिला है, हमको सपोर्ट मिल रही है तो हम तो मतलब रह रहे हैं खुशी खुशी। ये मुस्कुराहट इस बात की है कि इनको 1090 से और थाना क्षेत्रीय थाना बेकनगंज से इनको न्याय मिला। ये सीनियर विजिलेंस मुकीम के साथ मैं फैज रसूल, एंटी क्राइम टाइम्स, थाना बेकनगंज, कानपुर।